हेलो एवरीवन माय नेम इज़ लोकेश शर्मा एंड दिस इज वी अ पार्ट ऑफ आर एम ए सीरीज़ जिसमें हम एम ए एस्पिरेंट्स के लिए अलग अलग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आर वी आर सी प्रिपरेशन फॉर एम एच एंड द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टूडे इज़ फिल इन द ब्लैंक ओके नाउ एम एच सी ई टी इज़ अ वेरी क्यूरियस केस वैन इट कम्स टू वी आर सी क्यों बिकॉज वैन वी टॉक अबाउट डिफरेंट एग्ज़ैम्स अलग अलग चीज़ें ज़्यादा या कम इम्पॉर्टेंट होती है फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैट में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है बट कैट में ग्रामर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है सिमिलरली जैड में uh, हमारे पास क्रिटिकल रीजनिंग बहुत मैटर करती है आर सी बहुत मैटर करता है बट वोकेबलरी डजेंट प्ले प्ले एनी रोल एट ऑल सिमिलरली वैन यू लुक एट स्नैप वैन यू लुक एट टैट वैन यू लुक एट सीमेट ग्रामर और वोकेबलरी का आउटसाइज रोल है बट क्रिटिकल रीजनिंग कुछ नहीं आती एम ए एच सी टी इज़ द ओनली एग्जाम जिसके वी ए आर सी में सब कुछ आता है सो एम ए एच सी ई टी के वी ए आर सी में ग्रामर भी आती है वोकेबलरी भी आता है आर सी भी आता है क्रिटिकल रीजनिंग भी आता है पैराबेस क्वेश्चन भी आते हैं सो यू हैव टू स्टडी प्रेटी मच एवरी थिंग इफ यू वॉन्ट टू एक्सेल इन द वी ए आर सी सेक्शन ऑफ एम एच सी ई टी एंड देट इंक्लूड्स फिल इन द ब्लैक एज वेल सो लेट्स टॉक अबाउट वट फिल इन द ब्लैक इज आई बिलीव वी ऑल नो वट फिल इन द ब्लैंक्स आर इन फैक्ट दिस इज प्रेटी मच द ओल्डेस्ट क्वेश्चन स्टेम दैट आई वुड है कि आपको एक सेंटेंस दी है उसके अंदर एक या दो ब्लैंक्स हैं जो आपको फिल करने हैं सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज फिल इन द ब्लैक विल डिपेंड्स ऑन द एग्जाम दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कैट जी मैट इट इज एबसेलूटली नॉट रिक्वायर्ड द लास्ट टाइम देर वॉज अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन इन कैट वॉज प्रोबली टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व उसके बाद से नहीं आया जी मैट में तो फिल इन द ब्लैंक आता ही नहीं है when we talk about ZAT and mhcet well it is somewhat important it is needed why is it needed because ZAT may you can expect around 2 to 3 questions on fill in the blank same for mhcet you can expect a few questions from mhc in on fill in the blank in mhcet when it comes to IFT, NMAT, Tisnet, SNAP, CMAT, of course, it it's very important. It's a it's a very crucial part of your VARC section of these exams. And the same can be said about your government entrance exams too. IBPS, SSC, RBI, in sub of fill in the blank ke question. So, yes, since we are dealing with MHCET, fill-in-the-blank is needed. Now वॉट डज अ फिल द ब्लैक क्वेश्चन लुक लाइक वेल दिस इज अ सैप्पल क्वेश्चन ऑफ फिल इन द ब्लैंक क्या ज़रूरी है फिल इन द ब्लैंक में दो ही ब्लैंक्स होंगे नहीं फिल इन द ब्लैंक में एक ब्लैंक भी हो सकता है जैसे सीमेट में टिस्नेट में दिखता है फिल इन द ब्लैक में दो ब्लैंक्स भी हो सकते हैं एंड वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंस इन एम एच सी ई टी देन फिल इन द ब्लैंक कैन हैव मोर देन टू ब्लैंक्स एज वेल थ्री ब्लैंक्स और मे बी इवन फोर ब्लैंक्स जैसा जैट में देखा है काफ़ी बार ओके सो सेंटेंस इज दैट मोस्ट पीपल फेल्ट दैट द पनिशमेंट वॉज फार टू डैश फॉर द क्राइम तो बहुत सारे लोगों को लगा कि पनिशमेंट बहुत ज़्यादा डैश थी अब इसमें क्या आ सकता है इसमें कम भी आ सकता है ज़्यादा भी आ सकता है हो सकता है कुछ लोगों को लगा कि पनिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है या कुछ लोगों को लगा कि पनिशमेंट बहुत ज़्यादा ही है फॉर द क्राइम ओके वट द कल्परेट डिड व सो डैश अगेन इसमें भी पॉजिटिव वर्ड या नेगेटिव वर्ड आ सकता है वाट द कल्परेट डिड व सो स्मॉल वट द कल्परेट डिड व सो बिग इवन विकेड ओके तो जो कल्परेट ने किया वो बहुत डैश था इवन विकेड भी था एज टू वॉरेंट अ मोर सिवियर रेप्रीमांड ओके तो विक्टिम को ज्यादा सिवियर रेप्रीमांड मिलनी चाहिए थी तो अब मुझे पता लग गया कि पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा एक्चुअल में ऑथर को लगता है कि जो इसने किया है वो बहुत ज़्यादा बुरा है और क्योंकि इसने जो किया है वो बहुत ज़्यादा बुरा है तो ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी और पनिशमेंट अभी कैसी मिली है अभी पनिशमेंट बहुत कम मिली है सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक नाउ यू वुड वंडर कि सर अभी ऑप्शंस तो है ही नहीं आप पता नहीं क्या कर रहे हो खुद से वर्ड्स डाल रहे हो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वैन इट कम्स टू फिलिंग द ब्लेंक दैट यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस और आप बिना ऑप्शन के खुद से सोचो कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है इस सेंटेंस में ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं सो इवन विदाउट गोइंग टू दई नो दैट द फर्स्ट ब्लैंक रिक्वायर्स अ वर्ड जिसमें लेस या फिर पनिशमेंट वॉज ले टू लाइट ओके सो द पनिशमेंट वॉज टू लाइट वॉट द कल्परेट डिड वॉज सो बैड ही डिजर्व अ मोर सिवियर रेप्रिमांड सो विदाउट ईवन गोइंग टू ऑप्शन मुझे पहले से पता है कि पहले वाले ब्लैंक में कुछ लाइट या हल्के का सिनोनिम चाहिए और दूसरे वाले में बैड का सिनोनिम चाहिए नाउ वेन आई प्रेडिक्ट दीज वर्ड्स ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में लाइट या बैड वर्ड्स होंगे ही नहीं इनका कोई सिनोनिम होगा इनसे मिलता जुलता वर्ड होगा बट नाउ दैट नाउ दैट आई हैव अंडरस्टूड द सेंटेंस आई नो टू एक्सपेक्ट और आई नो वट टू प्रेडिक्ट इन अ गिवन ब्लैंक चलो ऑप्शन पे चलते हैं सो मोस्ट पीपल फेल्ट दैट द पनिशमेंट वॉज टू सिवियर नहीं सिवियर नहीं मुझे तो लाइट का सिनोनिम चाहिए टॉलरेंट हो सकता है सॉफ्ट हो सकता है लीनियंट हो सकता है फाइन सेकेंड ब्लैंक देखते हैं सो so,

वट द कलपरेटिड वॉज सो डिस्पिकबल मे बी तो अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं सी ओ डी क्या लगता है अगर मैं दोनों एक एक करके दोनों पेयर्स को डालूँ तो वुड यू अग्री कि पनिशमेंट के लिए आमतौर पर लीनियंट वर्ड यूज़ किया जाता है लीनियट हम बचपन में यूज़ भी करते थे ना कि ये तो बहुत लीनियट चेकिंग करती है ये टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करती है पनिशमेंट्स के लिए भी कि ये तो बहुत लीनियंट टीचर है बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है तो यूजअली वेन वी टॉक अबाउट पनिशमेंट द एक्चुअल वर्ड वी यूज इज लीनियंट एंड नॉट सॉफ्ट यस सिमिलरली जब हमको बात करनी हो कि पनिशमेंट या ये टीचर बहुत ज़्यादा हम टीचर के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रिक्ट वर्ड यूज़ करते हैं हम हार्ड नहीं यूज़ करते ना कि बहुत हार्ड टीचर है हार्ड किसके लिए यूज़ करते हैं लेट्स से मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा सख्त है उसको बोलूँगा कि ये बहुत हार्ड है इसको स्ट्रिक्ट नहीं बोलूंगा ना सो ऑल्दो देर आर डिफरेंट्स डिफरेंट वर्ड्स विच आर वेटी मच सिनोमस विद ईच अदर बट यू वुड अग्री कि देर आर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे एक वर्ड ज़्यादा चलता है दूसरे वाले से सिमिलरली जब पनिशमेंट की बात आती है तो लीनियंट ज़्यादा चलता है ना यस सो दैट इज़ वाई माई आंसर हेयर द बेटर चॉइस हेयर वुड बी डी ओके सो दिस इज दिस वॉज अ सैम्पल फिल इन द ब्लैंक जो हमने साथ में ऑफकोर्स ये क्वेश्चन देखा इस क्वेश्चन क्या को डिस्कस करने के पीछे मेरा पर्पस क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है well, वेल मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट दिस वॉट डू यू थिंक इज रिक्वायर्ड इन अ फिल इन द ब्लैंक मतलब एक फिल इन द ब्लैक को सही से करने के लिए क्या क्या स्किल्स या क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए आप देखो और मुझे बताओ सोचो इस बारे में हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ी सो यू वुड अग्री दैट द फर्स्ट थिंग दैट वी यूज हेयर वॉज कॉम्प्रीहेंशन इनफैक्ट मैंने ऑप्शन पे जाने से पहले ही सोचने की कोशिश की कि यार इस सेंटेंस का मतलब क्या है यहाँ पे सेंटेंस कहना क्या चाहता है और उसी कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे मैंने लॉजिक भी यूज़ किया लॉजिक कैसे यूज़ किया कि यार यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए नेगेटिव वर्ड चाहिए स्ट्रॉग वर्ड चाहिए लाइट वर्ड चाहिए देन यू वुड टू सम एक्सटेंट अग्री कि वोकेबुलरी की भी सेंस चाहिए यहाँ पे थोड़ी क्यों अगर किसी को डिस्पिकेबल का टॉलरेंट uh, का इनर्ट का लीनियंट का मतलब नहीं पता तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा ये फिल इन द ब्लैंक ओके सो येस वोकेबुलरी ऑल्सो मे प्ले अ रोल देन यू वुड अग्री कि हमने देखा कि सॉफ्ट और लीनियंट ऑल दोनों सही हो सकते हैं बट लीनियंट इज़ वॉट इज यूजली Used. तो हम पॉपुलर यूजेज को भी इनवोक करते हैं वेरियस और दीज आर देरियस प्री रिक्वेक इनफैक्ट लेट मी गिव यू दी आंसर लेट यू लेट मी लिस्ट डाउन की क्या क्या चीजें चाहिए होती है फिलिंद ब्लैंक को सोल्व करने के लिए तो हेयर यू हैव इट ऑन द स्क्रीन सबसे पहला और सबसे ज़रूरी होता है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मतलब आप सेंटेंस को पढ़ के समझ सको कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है आप सेंटेंस को पढ़ के उस ओवरऑल सेंटेंस की एसेंस उसका मीनिंग समझ पाओ देन ऑफ कोर्स यू बी एबल टू यूज़ लॉजिक लॉजिक का क्या मतलब है कि मुझे इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए कि नेगेटिव वर्ड चाहिए मुझे यहाँ पे एक आ, ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मीनिंग Uh, इसके आस पास सा होना चाहिए राइट फाइन वो कैबलरी हमने बात की इसके बारे में ग्रामर हाउ कैन ग्रैमर भी पॉसिबली टेस्टेड इन फिल इन द ब्लैंक वेल वील हैवे लुक एट दैट ईडियम्स एंड फ्रेजेस सो डू यू थिंक ईडियम्स एंड फ्रेजेस माइट बी नो नीडेड टू सॉल्व वो कैबलरी फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन वील विल सी एंड देन पॉपुलर यूजेज सो लेट मी टेक एग्जाम्पल्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे ये सारी चीज़ें

श्वेता इज़ अ वेरी डैश गर्ल ब्यूटिफुल इंटेलिजेंट क्रिएटिव जेनरस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को ब्यूटिफुल लग रहा होगा कुछ लोगों को शायद जनरस भी लग रहा होगा कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा ना कि सर चारों में से कोई भी आ सकता है ऐसे कैसे बताएँ एंड येस यू आर यूर यू पीपल आर एब्सोलूटली राइट जो बोल रहे हैं कि सर चारों में से कोई भी आ सकता है भाई वो तो डिपेंड करता है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ अगर मैं कहना चाहता हूँ कि श्वेता बहुत सुंदर लड़की है तो ब्यूटीफुल आएगा अगर मैं कहना चाहता हूँ कि श्वेता बहुत इंटेलिजेंट लड़की है बहुत तेज़ दिमाग लड़की है तो इंटेलिजेंट आएगा अगर मैं कहना चाहता हूँ कि श्वेता बहुत बड़े दिल की लड़की है तो जनरस आएगा सो so एक्चुअली में कौन सा वर्ड आएगा वो तो डिपेंड करता है ऑन द मीनिंग दैट वी वॉन्ट टू कन्वे यस ओके तो अब बताओ कौन सा वर्ड आएगा श्वेता इज़ अ वेरी डैश गर्ल शी नेवर फेल्स टू हेल्प द पुअर दैट शी मीट्स नाओ वो डू थिंक विच इज़ द वर्ड दैट वी नीड हेयर सो यू वुड अग्री कि सर अब तो यहाँ पे जनरस आएगा क्यों क्योंकि हमको आगे क्या बताया गया है कि वो कभी भी गरीब की मदद करने से पीछे नहीं हटती तो विच क्वालिटी ऑफ हर्ज डज दिस रिप्रजेंट तो दैट दिस इज़ जेनरासिटी अगर आप हमेशा गरीब की मदद करते हो गरीब की मदद करने से पीछे नहीं हटते तो उसको क्या बोलते हैं इसी को तो जनरोसिटी कहते हैं राइट सो हेयर द क्वालिटी दैट वी आर रेफरिंग टू इज़ दैट ऑफ जेनरासिटी अब नाव दैट यू नो कि यहाँ पे जेनरॉसिटी की बात हो रही है नाव दैट यू नो कि यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा जनरस आएगा तो अगर मैं आपको वापस लेके जाऊँ पिछले सेंटेंस में और पूछूँ कि बताओ अब वॉट डू यू थिंक वाई कुड वी नॉट हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन अर्लियर सो नाओ यू हैव दी आंसर हम पहले इसका इसलिए जवाब नहीं दे सकते थे बिकॉज देर वॉज नो कॉन्टेक्सट अंडरस्टैंड इन दी एब्सेंस ऑफ द कॉन्टेक्सट तो सारे के सारे वर्ड सही हो सकते हैं अगर मैं बोलूँ लोकेश इज़ अ डैश टीचर तो बताओ यहाँ पे क्या यूज़ करोगे गुड की बैड नाइस nice की स्ट्रिक्ट हैप्पी की सैड तो देयर कैन बी एनी एडजेक्टिव वेयर प्रैक्टिकली बिकॉज देर इज़ नो कॉन्टेक्स्ट बट अगर मैं बोलूँ कि लोकेश इज़ अ डैश टीचर ही नेवर कम्स टू द क्लास ऑन टाइम अब बताओ क्या आना चाहिए नाउ यू वुड से सर इम पंचुअल लेट कुछ ऐसा सा वर्ड चाहिए सो so ये कॉन्टेक्स्ट को समझ के कैसा वर्ड आएगा दैट इज़ वेयर लॉजिक इज़ रिक्वायर्ड दिस इज़ वेयर यू यूज़ लॉजिक यस टू टेक अनदर एग्जाम्पल ये देखो श्वेता इज अ वेरी डैश गर्ल शी कम्स अप विद द मोस्ट आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन अब बताओ कौन सा कौन सा वर्ड आना चाहिए श्वेता इज अ वेरी डैश गर्ल शी कम्स अप विद द मोस्ट आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन वॉट इज आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन एकदम अलग वो चीज़ जो कोई और नहीं सोच पाया मतलब समथिंग विच नो बडी एल्स हुव थाट ऑफ और उसने सोच लिया तो अगर आप वो चीज़ें सोच लेते हो जो और कोई नहीं सोच पाता एकदम अलग समथिंग दैट डिड नॉट अगर टू एनी वन दैट्स क्रिएटिविटी तो यहाँ पे क्रिएटिव आएगा अच्छा एक फाइनल श्वेता इज़ अ वेरी डैश गर्ल शी इज़ वन शी इज़ द वन बॉयज़ ड्रीम ऑफ़ तो श्वेता वो लड़की है जिसका लड़के सपना देखते हैं अब कोई बोल सकता है कि सर हो सकता है लड़के इंटेलिजेंट लड़कियों का सपना देखते हो जेनरस लड़कियों का सपना देखते हो बट ऐसा तो होता नहीं है है ना तो ऐसा होता है कि अभी लड़के सपना देख रहे हैं वाह कितनी इंटेलिजेंट लड़की थी नहीं तो लड़के ब्यूटीफुल लड़कियों का ही सपना देखते हैं तो यहाँ पे ब्यूटीफुल आएगा नाउ थिंक अबाउट इट किस तरीके से हमारा जो ओरिजिनल सेंटेंस था उसका आंसर ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट क्रिएटिव जनरस कुछ भी हो सकता है डिपेंड करता है कि आपने कॉन्टेक्स क्या यूज़ किया डिपेंड करता है कि आगे वाला सेंटेंस क्या है इससे एक अच्छी लर्निंग क्या मिलती है हमको वेल well, इससे लर्निंग ये मिलती है कि फिल इन द ब्लैंक को सॉल्व करने के लिए इट इज़ नॉट जस्ट द सेंटेंस विच कंटेन्स द ब्लैंक बट उसके आगे या उसके पीछे वाला सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है सोचो so, इन सारे केसेस में हमारे आंसर हमारा आंसर किस पे डिपेंड किया आर आंसर डिपेंडेड नॉट ऑन दिस सेंटेंस बट ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें ब्लैंक भी नहीं था तो जब भी कभी इन द ब्लैंक के क्वेश्चन में आपको ए, एक से ज़्यादा सेंटेंस दिए हैं और लेट्स से कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जिनमें ब्लैंक नहीं है डोंट थिंक कि इन सेंटेंसेज को तो मैं स्किप कर सकता हूँ ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है इनमें तो ब्लैंक ही नहीं है नहीं अगर ब्लैंक नहीं भी दिया तो भी वो सेंटेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि जो हमारा आंसर हो वो उस ऑप्शन में उस सेंटेंस में लाई करें जिसमें ब्लैंक था भी नहीं सो मेक श्योर दैट यू रीड ऑल द सेंटेंसेस केयरफुली रिगार्डलेस ऑफ वेदर दो सेंटेंसेस कंटेन अ ब्लैंक और नॉट ओके चलो तो हमको ये पता लग गया कि फिलिंग द ब्लैंक में कॉन्टेक्स्ट कैसे इंपॉर्टेंट होता है हमको ये भी पता लग गया कि लॉजिक कैसे यूज़ करना होता है अपना दिमाग लगाना होता है नाउ द थर्ड वन इज प्रटी ईजी एक्चुअली वो कैबुलरी ठीक लुक एट दिस क्वेश्चन देन सेम सेंटेंस श्वेता इज अ वेरी डैश गर्ल शी कम्ज अप विद द मोस्ट आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन अभी हमने सेंटेंस देखा था हमने देखा था कि क्रिएटिव आंसर था इसका अब आंसर क्या होगा यू है फोर ऑप्शंस इंजीनियस एसर्बिक कंटैंकरस पेट्यूलेंट अब आप बोलोगे कि सर लॉजिक तो देखो हम यूज़ कर रहे हैं मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर कुछ क्रिएटिव से मिलता जुलता वर्ड चाहिए बट जो ऑप्शन हैं वो ऐसे हैं कि हमने कोई वर्ड ही नहीं सुना कभी अब पता ही नहीं इंजीनियस क्या होता है एसर्बिक एंड टेंट्रस् पेटुलेंट सो द आंसर इज एक्चुअली ए इंजीनियस सो इंजीनियस पर्सन इज वन अगेन हु इज़ हु कैन थिंक इन अ अ इन यूनिक एंड इन एन इंटेलिजेंट वे अगेन इंजीनियस इज़ क्लोजर टू इंटेलिजेंट एक्चुअली बट इन द अमंग द गिवन ऑप्शन तो बेस्ट यही होगा एसर्बिक तो वो होता है जो कटे जले भुने शब्द यूज करे बहुत ज़्यादा झगड़ालू uh, टाइप का बंदा हो okay, कैन टैंकरस भी वही है पेटेलेंट भी वही है तो एक्चुअली इन तीनों का मतलब एक ही है झगड़ालू जग, लड़ाकू हमको वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए सो वॉट प्रिवेंटेड यू इन सॉल्विंग दिस फिल इन द ब्लैंक और वॉट वॉज द एक्चुअल इम्पेडमेंट वॉट वॉज द चैलेंज वट वॉज द प्रॉब्लम हेयर तो यू वुड से सर द प्रॉब्लम हेयर वो सिंपल कि यहाँ पे वर्ड्स uh, का मीनिंग नहीं पता था वोकेबलरी कमज़ोर थी यस सो दिस इज़ ह वोकेबलरी मे बी अ लिमिटिंग फैक्टर इन फिल इन द ब्लैंक फॉर सम ओके नाउ हाउ टू यूज ऑल थ्री ऑफ देम चलो ये देखो कॉम्प्रिहेंशन लॉजिक वोकेबरी तीनों किस तरीके से चाहिए होते हैं सो लुक एट द सेंटेंस ऑन द स्क्रीन द विचज़ लिव्ड डैश लाइफ्स फार अवे फ्रॉम द आईज ऑफ द पीपल फ्रॉम द चर्च ओके तो जो विचेस थी विचेस किसको बोलते हैं विचेस जादूगरनियों को बोलते हैं जो ब्लैक मैजिक करने वाली जादूगरनियाँ होती हैं उनको बोलते हैं तो जो विचेस थी वो डैश लाइफ जीती थी अब ये कैसी लाइफ है मुझे नहीं पता कुछ भी आ सकता है यहाँ पे तो हैप्पी लाइफ सैड लाइफ फार अवे फ्रॉम द आइज़ ऑफ द पीपल ऑफ़ द चर्च ओके तो ये ऐसी ज़िंदगी जीती थी कि ये चर्च के लोगों से दूर रहा करती थी तो मेरे मन में यहाँ पे आ रहा है आइसोलेटेड यस yes, कि ये दूर अलग कहीं रहती थी uh, मेरे मन में आ रहा है दे दे लिव्ड अ सिक्लूडेड लाइफ सेक्लूडेड का मतलब क्या होता है जब आप बाकियों से अलग रहते हो जैसे हम लोग पैंडेमिक में सब सेक्लूडेड अलग अलग आइसोलेटेड रहते थे फार अवे फ्रॉम द डैश आइज ऑफ़ द पीपल ऑफ 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 चर्च तो यहाँ कुछ पॉजिटिव तो नहीं आना चाहिए कुछ नेगेटिव ही आना चाहिए कोई अगर मैं बोलूँ फार अवे फ्रॉम द जेनरस आइज़ फ्रॉम द कम्पैशनेट आइज़ नहीं अगर चर्च के लोगों की आंखें इतनी जेनरस थी चर्च के लोग अगर इतने जेनरस थे तो उनसे छुप के जीने की रीज़न नहीं होता ओके सो नाउ I have used comprehension and logic. Let's see if vocabulary uh, lets me solve the question here. द विच इज़ लिव्ड अ डैश लाइफ रैमबंक्शियस नहीं होगा क्योंकि रैमबंक्शियस का मतलब होता है शोर शराबे के साथ तो ये तो छुप के रहती थी Perilous पेरेलस मतलब होता है डेंजरस तो दे lived अ डेंजरस लाइफ मे बी मे बी नॉट आई एम नॉट श्योर be वुड बी गुड अगेन नहीं हो सकती Flamboyant और रैमबंक्शियस सेम ही है जैसे विजय माल्या के लिए flamboyant वर्ड यूज़ किया जाता है ना Flamboyant is इज अ पर्सन हु इज़ वेरी देयर इन इन ही हु वन हु हार्ड टू मिस समन हू हैज अ लॉट ऑफ सुआव एंड स्टाइल एंड पनाश जैसे आपने रणवीर सिंह रणवीर सिंह को देखा होगा वो जब आता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है फ्लैम बॉइंट यस yes, विजय माल्या के लिए यूज़ किया जाता है सम हु वुड डू थिंग्स इन स्टाइल तो फ्लैम बॉइंट तो बिल्कुल नहीं आएगा ओके सो द विच इज लिव्ड अ पेरेलस और सेक्लूडेड लाइफ फार अवे फ्रॉम दी कैसी अगेन मे बी आई डोंट नो एक्सेसिव की क्या सेंस बनेगी स्क्रूपलस यस सो स्क्रूपलस क्यों हो सकता है स्क्रूपलस का एक मतलब होता है जब आप बहुत किसी चीज़ को ध्यान से देखते हो जब आप किसी चीज़ को बहुत ज्यादा पैनी नज़र से देखते हो तो उसको स्क्रूपलस कहते हैं दूसरा स्क्रूपलस का मतलब होता है फुल ऑफ प्रिंसिपल्स स्क्रूपल का एक मीनिंग प्रिंसिपल भी होता है आदर्श होता है तो स्क्रूपलस का मतलब क्या हो गया फुल ऑफ प्रिंसिपल्स ओके okay, तो दैट कुड मेक सेंस कि चर्च के लोगों की नजरें कैसी थी बहुत स्क्रूटनाइजिंग थी और विचिस की जिंदगी जो होती है वो चर्च के लोगों से बिल्कुल अपोजिट होती है मतलब चर्च के लोग इनको अच्छा बिल्कुल नहीं मानते तो यानी कि उनके साथ तो ये मिलके रह ही नहीं सकती तो उनसे दूर अलग थलग रहती थी और सेक्लूडेड मेक्स परफेक्ट सेंस सो दिस इज़ हाउ योर फिल इन द ब्लैंक मे इवेंचुअली रिक्वायर यू टू यूज़ ऑल थ्री कॉम्प्रीहेंशन लॉजिक एंड वोकेबलरी ना वट एल्स कैन योर फिल इन द ब्लैंक रिक्वायर यू टू नो नाओ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन योर सेल्फ लेट मी प्ले अलेंट स्पेक्टेटर आराम से सेंटेंस पढ़ो और समझो कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है और अपने मन में प्रडिक्ट भी करो सो एज़ यू रीड द सेंटेंस केयरफुली वंस यू हैव रेड द सेंटेंस ट्वाइस थिंक इन यूर माइंड दैट वॉट वट इज़ वट वर्ड्स वुड फिल दीज ब्लैंक अगेन ऑप्शन में आपको दूंगा बट पहले अपने मन में सोचो कि कैसा वर्ड चाहिए आपको यहाँ Alright, so by now you would have uh, read the sentence. So I'll let you attempt the question as well. Alright, choose your answer then. ऑल राइट यू वेम्पटेड द क्वेश्चन बाय नाउ आओ मेरे साथ देखो कहता है मदर टेरेसा सेल्फलेसली डिवोटेड हर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ़ द डेस्टिट्यूट अब मुझे डेस्टिट्यूट का मतलब नहीं पता बट डेस्टिट्यूट का मतलब मुझे लग रहा है गरीब के आसपास होगा या जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे दिक्कत में थे प्रॉब्लम में थे उन लोगों को लेके होगा ओके तो मदर टेरेसा ने अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिया गरीबों की जरूरतमंदों की बेटरमेंट के लिए हर डैश वन हर रिस्पेक्ट तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए ना कि उनके डैश की वजह से उन्होंने काफी लोगों का सम्मान जीता एंड मेड हर डैश तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वर्ड चाहिए इतना तो जरूर है तो कौन कौन से वर्ड्स रूल आउट हो गए एसेंट्रिक एसेंट्रिक किसको बोलते हैं एसेंट्रिक इज़ 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 अ पर्सन हु 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 वियर्ड डिफरेंट डज थिंग्स इन अ वेरी यूनिक और डिफरेंट वे जो नॉर्मली जैसे लोग नहीं करते फॉर एग्ज़ाम्पल इसेंट्रिक बंदा सब एक ऐसा बंदा जो एकदम चुपचाप रहता है किसी से बात नहीं करता या इसेंट्रिक बंदा जैसे आपने आँखों देखी मूवी देखी हो तो उसमें बाबू जी थे ना कि मैं जो देखूंगा सिर्फ वही मानूंगा तो इसको इसेंट्रिक कहते हैं तो एसेंट्रिक वर्ड तो नहीं आएगा यहाँ पे इमेंसिपेटर कौन होता है जो आपको लिबरेट करता है आज़ाद कर सकता है हो सकता है एनिग्मेटिक बोलते हैं मिस्टीरियस को एनिगमा का मतलब ही होता है मिस्ट्री तो डिड इट मेक हर मिस्टीरियस नो इट डिड नॉट मेक हर मिस्टीरियस ओके सो एक्ज़ैम्पलरी हाँ एग्जैम्पलरी मतलब जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके जैसे अगर मान लो कोई बैटल फील्ड में एग्जेम्पलरी करेज दिखाए अलग ही एकदम ऑल राइट लेट्स एट दी अदर ऑप्शंस ओके फर्स्ट वाले में क्या आना चाहिए हमारे दो ऑप्शन तो बाहर हो चुके हैं तो लेट्स लुक एट दी अदर टू ऑप्शनस क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हर मोरालिटी वन हर रिस्पेक्ट हो सकता है उनकी मोरालिटी की वजह से रिस्पेक्ट जीती हर एल्ट्रुज्म वन हर रिस्पेक्ट एल्ट्रुज्म भी हो सकता है नाउ वेट वट इज एल्ट्रुजम एल्ट्रुज्म बेनेवलेंट वर्ड सुना है आपने फिलानथ्रॉपिस्ट वर्ड सुना है आपने उसका सिनौने में सो एल्ट्रुइस्ट किसको बोलते हैं अ पर्सन हु हेल्प्स अदर विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फलेसली दूसरों की मदद करना निष्काम भावना से कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए दैट पर्सन इज कॉल्ड एल्ट्रोइस्ट तो अब उनकी मॉरलिटी की वजह से उन्होंने रिस्पेक्ट जीती कि एल्ट्रोइम क्या मैंशनड है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी लोगों के भलाई के लिए दैट इज एल्ट्रोइम मॉरलिटी तो सिर्फ होता है कि भाई मेरे उसूल मेरे आदर्श ये हैं बट उन्होंने तो एक्शंस में लोगों की मदद करी तो एल्ट्रोइम वुड बी अ बेटर एग्जांपल ऑल राइट सो डी बिकम्स आर आंसर सो वाइल बी और डी दोनों से ही हो सकते थे डी सूट्स द कॉन्टेक्स्ट बेटर ओके सो हमने देख लिया कि अब तक हमारे फिलिंद द ब्लैंक में कॉम्प्रिहेंशन विच इज़ ऑफकोर्स द प्राइमरी रिक्वायरमेंट लॉजिक एंड देन वोकेबलरी की भी एट टाइम जरूरत पड़ सकती है नाओ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज ग्रामर नाउ हाउ डज ग्रैम ग्रामर अफेक्ट आर फिल इन द ब्लैक और हाउ इज ग्रामर नीडेड फॉर फिल इन द ब्लैक आओ देखो मेरे साथ साथ

इनफैक्ट एवर्स के बाद हमेशा टू आता है एवर्स के बाद और कोई प्रपोजिशन आता ही नहीं है आई एम एवर्स टू दिस आई एम एवर्स टू दैट सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस द अदर द स्टूडेंट्स फॉर अप्राइज डैश द न्यू डेट तो अप्राइज का मतलब होता है अपडेट करना जैसे मान लो आ, मेरी एक शॉप है हमने कोई नई स्कीम कोई ऑफर निकाली या अन अकेडमी ने नई ऑफर निकाली है तो अनकेडमी आप लोगों को अपडेट करेगा आपको बताएगा तो कैसे बोलेंगे इसको दैट अन अकेडमी अपराइज़ द स्टूडेंट्स डैश द न्यू ऑफ़र द अन अकेडमी अप्राइज द स्टूडेंट्स ऑफ द न्यू ऑफ़र तो जिस तरीके से एवर्स के बाद टू आता है एवर्स अपराइज के बाद ऑफ आता है ओके सैलरी शुड बी कॉमेंसूरे डैश द एक्सपीरियंस लेट्स एक पोजीशन है एक जॉब के लिए और जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ये बोलता है कि सैलरी एक्सपीरियंस के प्रपोशनड होनी चाहिए मतलब जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा सैलरी होगी तो सैलरी शुड बी डैश टू द एक्सपीरियंस क्या आना चाहिए मीनिंग तो आप सब लोगों को समझ में आ रहा है बट व्हाट वुड बी द प्रपोजिशन रिक्वायर्ड विद अब आई नो आप में से कुछ लोगों के ये आंसर सही हो रहे होंगे कुछ के गलत हो रहे होंगे अगर आप पूछो सर इसका लॉजिक क्या है विद क्यों आएगा कोई क्यों नहीं है There is no why here. You just have to know that with, on, aata hai, kahan pe to. Aata hai. In fact, these fill in the blanks are very common in exams like NMAT and IFT. Yes? Where you fill prepositions. And the only way that you can know that which preposition would be used where is through your own experiences, through your own familiarity. Now, if you are a reader, if you are a person who is इन टू रीडिंग लॉट ऑफ स्टफ और सम वन हु रीड रेगुलरली यू वुड हैव दीज एग्जाम्पल्स यू वुड हैव दीज सेंटेंसिस इन यूर डेटा बेस तो हाउ डज दिस वर्क आप जब एक सेंटेंस पढ़ते हो जैसे आपको ने एक सेंटेंस दिया द पार्लियामेंट वॉज सीज डैश द मैटर अब जो इंसान रीडिंग करता आ रहा है ना उसको ये सेंटेंस पढ़ के ना अपने आप नेचुरली उसके मन में ऑव आ जाएगा कि यार मैंने तो जहाँ तक सुना सीज के बाद ऑव ही सुना येस yes. और ये कब वर्क करेगा कब आपके मन में नेचुरली सही आंसर आएगा जब एक्चुअल में आपने रीडिंग करी है और एक्चुअल में आपने इस टाइप की कंस्ट्रक्शंस देखी हैं तो इट्स सिंपल द मोर यू रीड द मोर यू आर एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन द मोर फेमिलियरिटी यू डेवलप विद डिफरेंट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड प्रपोजिशंस ही वॉज कॉर्डियल एंड शेयर डीप इंसाइट्स डैश द म्यूजिकल इंडस्ट्री तो ही वॉज कॉर्डियल एन शेप डी शेप शेड डीप इन साइड इन टू द म्यूजिकल इंडस्ट्री यस सो ग्रामर इज़ कैन ऑल्सो बी यूज इन इन द ब्लैंक एंड नॉट नेसेसरली जस्ट फॉर प्रेपोजिशन तो प्रेपोजिशन इज जस्ट वन ऑफ द वे अच्छा इसी को मैं चेंज कर दूँ अगर अगर मैं यहाँ पे अपराइज की जगह ओव आपको दिया होता और ब्लैंक यहाँ पे होता तो आपको एक ऐसा वर्ड डालना पड़ता ब्लैंक में जिसके बाद ऑव आ सकता है अब हैव लुक एट दिस एग्जाम्पल सो so, इस सेंटेंस को पढ़ो आराम से और अपने मन में अगेन आंसर फॉर्म करो जैसा अभी हमने पहले भी किया था Alright, so let's go to the options. You have the four options. Choose the one that you think best fills the two blanks. ऑल राइट सो वॉट्स द आंसर दैन लेट्स इट् सेज़ मॉडर्न साइंस आइदर डायरेक्टली डैश फ्राम फिलासफी आइधर डायरेक्टली एंगेज फ्राम नहीं एंगेज के बाद फ्राम आ सकता है क्या नहीं एंगेज के बाद तो विद आता है मॉडर्न साइज साइंस आइधर डायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्राम हो सकता है मॉडर्न साइंस आइधर डायरेक्टली असोसिएटेड फ्राम नहीं असोसिएटेड के बाद भी विद आता है हमारे पास तो यहाँ पे ब्लैंक के बाद फ्रॉम है सो वी नीड अ वर्ड हेयर विच इज़ कंपेटेबल विद फ्रॉम ओके मॉडर्न साइंसिस इधर डायरेक्टली एमर्ज फ्रॉम हो सकता है तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में लुकिंग एट द ग्रामेटिकल एन्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास बी एंड डी बी एंड डी हो सकते हैं सो मॉडर्न साइंस आइर डायरेक्टली डैश फ्रॉम फिलासफी और आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू फिलोसॉफिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग फिलासफी एंड ऑफकोर्स द वे प्रॉब्लम्स आर डैश बाय फिलासफर्स द वे प्रॉब्लम्स आर फोर्स्ड बाय फिलोसफर्स नहीं वुड प्रॉब्लम्स बी फोर्स्ड बाय फिलासफर्स द वे प्रॉब्लम्स आर अड्रेस्ड बाय फिलासफर्स येस प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस्ड बाय और रिप्लाईड टू बाई फिलासफर्स तो डी इज द आंसर तो सोचो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था तो आई एम श्योर यू वुड अग्री कि इस क्वेश्चन में मोर देन एनीथिंग एल्स इट वॉज ग्रामर दैट वॉज रिक्वायर्ड एंड ग्रामर इन सेंस कि जो हमारे ब्लैंक्स हैं उनके आगे कौन सा प्रपोजिशन है उनके आगे कौन सा, सा वर्ड है और हमको ऐसा वर्ड चाहिए जो उन आगे वाले वर्ड्स के साथ कंपैटिबल हो ओके सो वी अंडरस्टैंड दैट इन ऑर्डर टू सॉल्व फिल इन द ब्लेंक वी मे रिक्वायर कॉम्प्रिहेंशन विच वी विल डेफिनेटली रिक्वायर देन लॉजिक वोकेबुलरी एट टाइम्स ग्रामर नाउ द नेक्स्ट आइटम विच इज़ ई डीएम एंड फ्रेजल व इज ऑनिस्टली अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ग्रामर देखा जाए तो हमारे ईडियम्स भी एक तरीके से ग्रामर का ही पार्ट है नाउ वट आर ईडियम्स फर्स्ट ऑफ ऑल ईडियम्स जिनको हिंदी में मुहावरे कहते हैं क्या होते हैं मुहावरे ई डी एम और वट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ ई डीएम वट इज़ द यू एस पी ऑफ ई डी एम वेल वेन इट कम्स टू ई डी एम यू आई दर नो द मीनिंग और यू डोंट नो देर इज़ नो गेसिंग सो देर आर ऑफकोर्स थाउजेंड ऑफ ईडियम्स एंड If you know the meaning of a given idiom, you know it. If you don't know, you don't know. You won't be able to guess the meaning. Example let's take some idioms. Ka dekho. Dr. Hari kicked the bucket last night. Now can you identify the meaning of the highlighted idiom? Kick the bucket. What does it mean to kick the bucket? If I my grandfather kicked the bucket two days back. He died two days back. To kick the bucket means to die. नाउ इफ़ यू आर वंडरिंग कि किक द बकेट का मतलब डाई कैसे हो गया ये कहाँ से रिलेशन निकाला किक द बकेट डाए एवरी ईडियम हैज़ अ स्टोरी एवरी ईडियम हैज़ अ बैक स्टोरी हैज़ हैज़ एन ओरिजिनेशन एटीमोलॉजी कहते हैं जिसको तो अगर आप समझना ही चाहते हो कि द बकेट का मतलब डाई कैसे हुआ लग रहा होगा कि ये तो कोई लेना देना ही नहीं है एक सुसाइड करने का या अपनी जान देने का एक तरीका ये भी है ना कि एक बकेट लो उसको उल्टा करो बकेट के ऊपर खड़े हो जाओ फंदा बना के फांसी का फंदा बना के गले में डालो एंड वेन यू आर रेडी जस्ट किक द बकेट सो वॉट विल हैपन वेन यू किक द बकेट यू विल डाई तो अब समझ में आया किक द बकेट का डाई से क्या लेना देना हुआ सो दिस वे एवरी इडियम हैज़ अ स्टोरी एवरी ईडियम हैज़ ओरिजिनेशन डू वी नीड टू नो दी स्टोरीज़ नो वी डोंट All we need to know know is the meaning of the idiom that is in front of us. Now, how many idioms are there? like I said, thousands. Is it possible? Can we know the meaning of all? No, I don't if you give me 10 idioms, I would most likely know the meaning of four or at best five. So fifty percent to at best So you don't have to know the meaning of every idiom, but yes, sometimes it could be an idiom that you need to know in order to solve a given fill in the blank. ठीक है इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स नाउ दिस इज़ अडियम आई बिलीव ऑल ऑफ यू वुड भी फेमिलियर विद वट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनिंग कट्स एंड डॉग्स वैन डू वी सेट इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स वी सी इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स वेन इट्स रेनिंग वेरी हेविली राइट बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है तो उसको बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स अगेन रेनिंग कट्स एंड डॉग्स कहाँ से आ गया तेज़ बारिश के लिए तो इंग्लैंड में एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड ऑफ सेवनटीन सिक्सटीन इवन बिफोर फिफ्टीन फोरटीन सेंचुरी तो इंग्लैंड में घर जो होते थे ऐसे हट्स शेप के होते थे यस और यहाँ पे ये जो हट टाइप के घर होते थे इनमें अपने पेट्स को यहाँ पे बिठाया जाता था तो मान लो किसी की कैट है किसी का डॉग है उनको यहाँ बिठाते थे ओके अब ये हमारी विंडो है ऑल राइट तो ये विंडो है ठीक है ये विंडो है घर की अब इमेजिन करो कि विंडो के पीछे कोई खड़ा हुआ है और बाहर को देख रहा है ठीक है तो ये घर का ओनर है ये खड़ा हुआ है और बाहर को देख रहा है। अब जब बारिश होगी तो क्या होगा ये वैसे भी यू वुड अगरी कि ये एक स्लोप है तो यहाँ पे थोड़ी तो uh, थोड़ी स्लिपरी होगी अब जब बारिश होगी तो क्या होगा ये बहुत स्लिपरी हो जाएगी इमेजिन करो बहुत तेज़ बारिश होगी तो इतनी स्लिपरी हो जाएगी कि शायद ये जो ऊपर बिल्ली बैठी है शायद ये बिल्ली रानी टपक के नीचे गिर जाए अब जो खिड़की के पीछे खड़ा है वो सोचो खिड़की से बाहर देख रहे हो और एकदम से छत ऊपर से बिल्ली गिरी तो वुड वुड इट नॉट सीम कि जैसे आसमान से बिल्ली टपकी हो और ऐसे ही सिर्फ़ एक बिल्ली या कुत्ता नहीं है सब लोगों ने अपने घर पे एक कुत्ता बिल्ली बिठा रखा है तो क्या होगा कि अगर आप कहीं से खड़े होकर डिस्टेंस से देख रहे हो आपको दिखाई देगा वहाँ पर कुत्ता गिरा वहाँ पर बिल्ली गिरी एंड इट मे सीम इट मे फील एज इफ दीज कैट्स एंड डॉग्स आर रेनिंग फ्रॉम द स्काई यस तो यहाँ से ये एडियम आया कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ओके सो अगेन ये आपको ई पता है नॉट नॉट बिकॉज आपको ये स्टोरी पता थी सोचो आप में से कितने को ये वाली कहानी पता थी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स की बट स्टिल यू नो द मीनिंग क्यों पता है आपको मीनिंग आप बोलोगे क्योंकि क्यों सुना है सर ये वाला ई हमने सुना है काफ़ी बार कि इस तरीके से बोलते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स उसका मतलब होता है बहुत बारिश हो रही है सो अगेन ई क्या होता है अगर आपको मीनिंग पता है तो पता है नहीं पता तो नहीं पता अगेन हिट द सैक बहुत कॉमन ईडियम है इट इज़ टाइम टू हिट द सैक स्टूडेंट शुड हिट द सैक बिफोर मिड नाइट स्लीप हिट द सैक का मतलब होता है स्लीप सो नाउ वी नो वट ईडियम आर लेट्स सी देयर एप्लीकेशन इन फिल इन द ब्लैंक सो यू हैव अ फिल इन द ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू ऑफकोर्स कंप्लीट द ब्लैंक इट सेज धीरू भाई अम्बानीज लाइफ इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ डैश टू रिचिज स्टोरी अब यहां पर एक ईडीएम है डैश टू रिचिज अगर आपने ये ई सुना है और चांसेस आर कि सुना होगा इट्स अ वेरी कॉमन ईडियम अगर आपने ये ई सुना है तो तो आप इसको फिल कर लोगे बट अगर आपने ये ई कभी सुना ही नहीं लाइफ में देन ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव नॉट फेमिलियर विद द ई यू वॉन्ट बी एबल टू फिल इट फॉर दोज हुव हर्ड दिस ईडियम इन अ वेरी कॉमन वन रैक्स टू रिचिस रैक्स टू रिचिस का मतलब क्या होता है तिनके से ताज मतलब फ्रॉम नथिंग टू एवरी यस yes. इसी तरीके से सी इफ यू आर फेमिलियर विद दिस ईडियम आई यूज टू गो दे आर वेरी फ्रीक्वेंटली अर्लियर बट नाउ आई विजिट ओनली वंस इन अ डैश मून तो ये एडियम हम सब लोगों ने सुना है वंस इन अ डैश मून कौन सा ईडियम होता है वंस इन अ ब्लू मून सो वॉट डज वंस इन अ ब्लू मून मीन वंस इन अ ब्लू मून मीन्स इफ समथिंगस वंस इन अ ब्लू मून इट है वेरी इन ठीक नॉट विद ग्रेट फ्रीक्वेंसी वंस इन वंस इन अ वाइल राइट

और इस कॉम्बिनेशन से क्या होता है एक नया मीनिंग निकल के आता है इट प्रोड्यूस अ न्यू मीनिंग ऑल टूगेदर लुक एट दी एग्जाम्पल्स टेक ऑफ यस द प्लेन इज रेडी टू टेक ऑफ़ तो टेक ऑफ का मतलब फ्लाई होता है ना अब ये फ्लाई कैसे आया क्या टेक वर्ड का लेना देना है इंडिविजुअली फ्लाई के साथ नहीं टेक का मतलब होता है लेना ऑफ का मतलब होता है बंद बट दोनों को साथ में यूज़ किया तो नया मीनिंग बन गया ना यस टाटा इंडस्ट्रीज हैज़ टेकन ओवर इन्फोसिस तो टेक ओवर का मतलब होता है एकवायर कर लेना किसी को यस राइट बट सोचो टेक और ओवर का इंडिविजुअली तो कोई लेना देना नहीं है एक्वायर से राइट इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान एंड टू नाइट्स मैच तो वॉट इज टेक ऑन इंडिया विल फाइट विद इंडिया विल कम्पीट विद बट मुझे बताओ टेक और ऑन का इंडिविजुअली कोई लेना देना है कम्पीट के साथ सो यू सी दैट अ वर्ब एंड प्रपोजिशन हैव बीन यूज टुगेदर इन सच अ वे कि नया मीनिंग निकल के आ गया सिमिलरली पुट अप अगर मैं बोलता हूं कि आई पुट अप इन राजौरी गार्डन तो यू नो दैट पुट अप का मतलब होता है स्टे यस आई हैव पुट ऑन वेट इन द लास्ट टू ईयर्स तो पुट ऑन का मतलब क्या हो गया गेंड पुट ऑफ आई वॉज पुट ऑफ बाई हर रूड एटीट्यूड तो पुट ऑफ का मतलब डिसअपॉइंटेड या अपसेट यस या सैडेंड तो अगेन यू सी कि कैसे मैं पुट के आगे अलग अलग प्रपोजिशन लगाता जा रहा हूँ और नए नए मीनिंग बनते जा रहे हैं अलग अलग नए नए मतलब इसी तरीके से गिव अप आप सब लोग जानते हो गिव अप का मतलब क्या होता है हार मान लेना गिव इन मतलब ठीक है कंसीड कर लेना गिव अवे गलती से कुछ निकल निकल जाना आपके मुंह से या गलती से आप कुछ जब दे देते हो ना चाहते हुए फॉर एग्जाम्पल हिज एंगर गेव अवे हिज़ फ्रस्ट्रेशन अबाउट द प्रोसेस तो समझ आ गया उसकी उसके एंगर ने हमको बता दिया कि फ्रस्ट्रेटेड है राइट सो वेन एवर यू यूज़ अ प्रेपोजिशन अलॉन्ग विद अ वर्ब तो इट बिकम्स अ फ्रेजल वर्ब ठीक है और इस फ्रेजल वर्ब के कॉम्बिनेशन का कुछ नया ही मतलब होता है और इस नए मतलब का इंडिविजुअल वर्ड से कोई लेना देना नहीं होता तो सोचो वर्ब और प्रपोजिशन के जो इंडिविजुअल मीनिंग है उससे कोई लेना देना नहीं है अगर मैं बोलता हूँ आई रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माई लास्ट इवनिंग सो वेन आई सी आई रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड वॉट डज इट मीन आई मेट आई सडनली मेट इट वॉज नॉट प्लैंड एक्सीडेंटली मेट बट इसका असल में भागने से तो कोई लेना देना नहीं है ऐसा तो नहीं है कि मैं भाग रहा था भाग रहा था दोस्त के अंदर घुस गया नहीं ऑल राइट सो हाउ डू वी यूज फ्रेजल वर्ब सूफ अगेन टू जस्ट टू क्लोज द थाट a phrasal verb is a combination of verb and preposition that creates a new meaning and phrasal verbs are also idiomatic now what is idiomatic what was idiom idiom wo tha na ki agar aapko meaning pata hai to pata hai nahi pata to nahi pata similarly idiomatic kisko bolte hain if something is idiomatic जब आप ये बोल सको कि भाई आपको meaning पता है तो पता है नहीं पता तो नहीं पता तो just as idioms are idiomatic. प्रेप फ्रेजल वर्ब्स आर ऑल्सो एडियोमेटिक विच मीन्स इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ अ गिवन फ्रेजल वर्ब यू नो इट इफ़ यू डोंट नो यू डोंट नो यू कॉन्ट गेस ठीक है ओके सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज इट इन फिल इन द ब्लैक्स लुक एट द सेंटेंस यू डोंट हैव टू अपट है अब बताओ यू डोंट हैव टू डैश अप विद इज रूड बिहेवियर क्या आना चाहिए यहाँ पर यू डोंट हैव टू डैश अप विद हिज़ रूड बिहेवियर तो मुझे तो ये समझ में आता है कि यहाँ पर आना चाहिए कि यू डोंट हैव टू पुट अप विध हिज़ रूड बिहेवियर क्यों वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज दैट यू डोंट हैव टू बेयर यू डोंट हैव टू टॉलरेट यू डोंट हैव टू झेलो हिज रूड बिहेवियर तो मुझे एक ऐसा मीनिंग चाहिए जिसका टॉलरेट हो जिसका मीनिंग अब वो टॉलरेट वाला मीनिंग चाहिए और और अप ऑलरेडी दिया हुआ है तो मुझे एक ऐसा वर्ड लगाना है जो अप के साथ मैच करके जिसका मीनिंग क्या निकल के टॉलरेट सो आई नीड टू नो कि कौन सा फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टॉलरेट पुट अप ओके द वे इंडो पाक रिलेशन आर डिटेरेटिंग जिस तरीके से इंडो पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं द टू कंट्रीज आर डेफिनेटली हेडेड टूवर्ड्स अ शो डैश अब आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों के मन में आ गया होगा कौन सा वर्ड चाहिए देर इट इज़ हेडेड टू वर्ड्स अ शो डाउन बट अगेन ये आंसर वही बता सकता है ना जिसने शो डाउन सुना हुआ है जिसकी शो डाउन के साथ फेमिलियरिटी है और जिसको पता है कि शो डाउन का मतलब होता है फाइट यस yes? Finally, last sentence, I look dash to him because of what he has achieved in his life. So if someone has achieved some great things and I look dash to him, so obviously I would admire that person, I would idolize that person. So consa phrasal verb, I look up to him. Yes? Okay. Uh Let's attempt a question which involves these uh, various skill set. सो so, ई भी यूज़ करते हैं लॉजिक वोकेबली के साथ हाउ अबाउट यू गिव इट अ गो तो सेंटेंस पढ़ो आराम से और सोचो नाउ इफ़ यू आर फेमिलियर विद द ईडियम दैट इज़ बीन यूज हेयर आपको अपने आप पढ़ के पता लग गया होगा ना सोचो सेकेंड वाले ब्लैंक में कौन सा ईडियम आएगा इट वॉज द फाइनल नेल इन द डैश सो द करेक्ट ईडियम इज़ द इन द फाइनल नेल इन द कॉफिन क्या मतलब होता है फाइनल नेल इन द कॉफिन का आखिरी वो चीज़ जिसने सब खत्म कर ही दिया मतलब ऑलरेडी चीज़ें बुरी थी आखिरी ये हुआ और उसके बाद तो ख़त्म हो गया फॉर एग्जाम्पल द अरेस्ट ऑफ गांधी जी वॉज द फाइनल नेल इन द काफिन ऑफ ब्रिटिश सब्जुगेशन ऑफ इंडिया तो अंग्रेज़ों ने जो इंडिया को सब्जुगेट कर रखा था वो वैसे ही मतलब ख़त्म तो होना ही था ऑलमोस्ट खत्म होने के गांधी जी को जो अरेस्ट किया ना उसने फाइनल ट्रिगर का फाइनल एक्शन का काम कर दिया यस सो ऑप्शनस पे चलते हैं सो इट वॉज द फाइनल नेल इन द हेड तो नहीं हो सकता फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा बिकॉज दैट इज़ द ई डी एम अब इंडिया डिड एक्सेप्शनली वेल टू स्टे अलाइव इन द टूर्नामेंट डैश द लाइक्स ऑफ ए बी तो इंडिया ने बहुत पॉजिटिव बात हो रही है यहाँ पे कि बहुत अच्छा किया पम्बलिंग द लाइक्स ऑफ स्कॉटलैंड मैचिंग द लाइक्स नहीं अगर मैच किया आपने तो एक्सेप्शनली वेल well नहीं किया पम्बलिंगों होगा पबलिंग का क्या मतलब होता है मुक्का 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 मारना पम्बल किसको करते हैं डो को आटे को गूंदते हैं जो पम्ल करते हैं तो इसी तरीके से इंडिया थ्रैश स्कॉटलैंड अफगानिस्तान नो इट डज नॉट मीन लिटरली क्रिकेट पर इस तरीके से बात होते है ना इंडिया स्लैम्ड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया थ्रैश्ड इंडिया तो जब आप बहुत बुरे तरीके से किसी को हटा हराते हो मतलब गंदे तरीके से हराते हो तो ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो अगर इंडिया बहुत बढ़िया किया तो कब किया होगा बाय मैचिंग द लाइक्स ऑफ और बी और तो इट सो इट ऑफ दूसम एंड कोर्स इट रिक्वायर्ड लॉजिक एज वेल वॉट इज द लास्ट ऑफ सिक्स स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड हमने देखा कॉम्प्रिहेंशन लॉजिक वोकेबुलरी ग्रामर ईडियम पॉपुलर यूजेज नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल पॉपुलर यूज का मतलब क्या होता है देखो देर आर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड ही यूज़ किया जाता है वैसे तो अगर मैं बोलना चाहूं कि मैं दुखी हूँ तो आई आई एम सैड आई एम मोरोस आई एम अनहैप्पी इन सब का एक ही मतलब है बट देर आर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने किसी दोस्त के घर गया और उसके घर में लथ से उसके पापा की डेथ हुई है तो मैं क्या बोलूँगा आई एम सो डैश फॉर योर लॉस अब आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस सो अपोलोजेटिक फॉर योर लॉस सो सैड फॉर योर लॉस ये सब बोले जा सकते हैं इनमें से कुछ भी गलत नहीं है बट यू वुड अग्री कि यूजअली इन सच अनरी हम सब यही बोलते हैं ना आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस यस अब वाइल यू कूड हैव यूज मल्टीपल वर्ड्स ऑल ऑफ विच मेंट द सेम बट सॉरी इज़ द वर्ड दैट यू वुड जनरली यूज आप बोलोगे प्रैक्टिकली सर चलता तो यही है इसको बोलते हैं पॉपुलर यूजेज ऐसे ही देखो मान लो एक बिल्डिंग है जो बहुत कमजोर हो चुकी थी कभी भी गिर सकती थी ठीक है तो क्योंकि उस बिल्डिंग के गिरने का डर था तो क्या हुआ द गवर्नमेंट वॉज डैश बाय द बिल्डिंग वॉज डैश बाय द गवर्नमेंट एज इट है डिलेपिडेटेड कमजोर हो गई थी बहुत तो गवर्नमेंट ने ही उसको गिरा दिया तो यहां पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे अब द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग हो सकता है द गवर्नमेंट द बिल्डिंग वॉज डी कंस्ट्रक्टेड बाय द बिल्डिंग द गवमेंट वॉज ब्लास्ट बाय द बिल्डिंग ये सारे हो सकते हैं बट यू वुड अग्री कि यूजअली कौन सा वर्ड यूज़ होता है बिल्डिंग्स वगैरह के केस में डिमोलिश्ड सो so जब भी स्ट्रक्चरस को तोड़ने की बात होती है डिमोलिश वर्ड यूज़ करते हैं अच्छा मान लो सरकार ने किसी चीज़ पर एक बैन लगाया था बाद में सरकार ने वो बैन हटा दिया वो बैन उठा दिया तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे द बैन वॉज डैश बाय द गवर्नमेंट द बैन वॉज रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट द बैन वॉज टेकन ऑफ बाय द गवर्नमेंट द बैन वॉज रोल्ड बैक बाय द गवर्नमेंट नहीं द बैन वॉज लिफ्टेड बाय द गवर्नमेंट सो यूजली जब आप बैंस की बात करते हो तो वापस लेने को क्या यूज़ करते हैं उसके लिए लिफ्टेड. अब मानो दो लोग हैं उनकी शादी हुई थी अब शादी हुई बट अगले ही दिन वो कोर्ट पहुंच गए दो दिन बाद कोर्ट पहुँच गया कि नहीं भाई हमारी मर्जी से शादी नहीं हुई इस शादी को खारिज करो इस शादी को कैंसिल करो तो यूजअली मैरिज़ को राइट आफ्टर मैरिज जब उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है नल एंड वाइड तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है एनल्ड इनफैक्ट आई एम श्योर अगर आपने ये वर्ड सुना है एनल्ड तो आपने मैरिज के कॉन्टेक्स में ही सुना होगा फ्रेंड्स अगर आपने देखा है तो आपको याद आ रहा होगा रॉस यस रॉस और मोनिका वो मैरिज की एनलमेंट के लिए जाते हैं ओके okay. अगर मान लो एक गुस्साई भीड़ एक म्यूज़ियम में जाके तोड़फोड़ मचाती है तो उसको क्या बोलते हैं द एंग्री मॉब डैश द म्यूज़ियम वेंडलाइज्ड तो यूजुअली म्यूज़ियम के लिए वेंडलाइज यूज़ किया जाता है ओके okay. Uh, एक बोनस क्वेश्चन द टाइफून या द सुनामी डैश या चलो द द सुनामी रेग्ड डैश ऑन द विलेज जो सुनामी था उसने बहुत तबाही मचाई गांव में द सुनामी रेग्ड डैश ऑन द विलेज क्या होगा रेगड के बाद कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं सो यू विल फाइंड दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज रेग्ड है यूज होता है ओके लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल अगेन एन ईजी वन टू बिगिन विद तो यहाँ पे लॉजिक पॉपुलर यूजेज वोकेबलरी तीनों चलेगा शी रिसीव स्टैंडिंग डैश फॉर हर परफॉर्मेंस अब काफ़ी लोगों के मन में तो ऑलरेडी फर्स्ट ब्लैंक में आ गया होगा ना शी रिसीव्ड अ स्टैंडिंग डैश हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं सचिन तेंडुलकर ओ द क्राउड वॉज द क्राउड गेव अ स्टैंडिंग डैश टू द मेस्ट रो फॉर इस परफॉर्मेंस तो हमेशा इस केस में आपने देखा होगा स्टैंडिंग ओवेशन यूज़ किया जाता है अब देखा जाए तो स्टैंडिंग क्लैपिंग भी हो सकता है स्टैंडिंग एप्रिसिएशन भी हो सकता है बट आप बोलोगे नहीं सर चलता तो यहाँ पर इस केस में ओवेशन ही है बट याद रखो दोस्तों ये जो पॉपुलर यूजेज होता है ना कि चलता है तो यही है हम ये तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिनोनिम्स दिए हों याद करो हमारा पहला सेंटेंस क्या था श्वेता इज़ अ डैश गर्ल तो वहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि चलता तो ब्यूटीफुल ही है नहीं इफ़ यू हैव टू और मोर ऑप्शंस ऑल ऑफ विच आर सिनोनिमस विद ईच अदर मतलब इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है तो वहाँ पे हम ये यूज करते हैं कि यार यूजली चलता तो ये है राइट सो सी रिसिव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन अब स्टैंडिंग ओवेशन किसके लिए डल परफॉर्मेंस के लिए तो नहीं मिलेगी स्टैंडिंग ओवेशन एचेंटिंग परफॉर्मेंस के लिए ही मिलेगी राइट right? ओके okay. चलो अगर ये समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे रीड द सेंटेंस इन योर माइंड डिसाइड कि कौन सा वर्ड चाहिए आपको choose the options rather choose the best among the given options all right so let's see लव इट और हेट इट तो मेरे मन में नेचुरली क्या आ रहा है लव इट और हेट इट यस लव इट और लोद इट ये भी हो सकता है क्योंकि हेट करना लोद करना एक ही बात होता है ओके सो लव इट और हेट इट अब मुझे वर्ब चाहिए तो ये वर्ब वाली फॉर्म नहीं होती ये तो नाउन वाली फॉर्म होती है हेट हो सकता है लव इट और लाइक इट की सेंस ही नहीं बनेगी क्योंकि वो तो सेम ही हो गए फिर ऑल राइट right. तो आंसर ए या सी में हो सकता है लव इट और हेट इट एक्स लुक्स इस सेट टू मेक एन इम्पैक्ट दिस ईर तो ये वाली लुक की इम्पैक्ट तो बनेगी इस साल में डैश इन द समर पर्टिकुलरली इन द समर ठीक है हो सकता है आर्टिफिशियली इन द समर नहीं अब यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को लगा होगा कि यहाँ पे तो हेट ही आएगा सो देखो हम पॉपुलर यूजेज को कब प्ले में लेके कर आते हैं जब एक से ज़्यादा ऑप्शन हो जो दोनों सही हो बट यहाँ पर सेकेंड वाले ब्लैंक में आर्टिफिशली की तो सेंस ही नहीं बनेगी ना सो so अंडरस्टैंड कि अगर मेरा जो आंसर जो मेरा फाइन जो मेरा ऑप्शन है उसमें दो ब्लैंक्स हैं और एक ऐसा वर्ड है इन द गिवन ऑप्शन जो एक ब्लैंक में आ ही नहीं सकता तो अब अगर पहला वाला वर्ड कितना ही अच्छा फिट क्यों ना हो ये मेरा आंसर नहीं होगा ओके ऑल राइट वी विल अटैम्प्ट ओके सो वी विल लीव इट हेयर आज की क्लास में मैं भी आपको ये बताना चाहता था कि वॉट आर द वेरियस स्किल्स वॉट इज द स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स वेल इन द नेक्स्ट इन द फॉलो अप सेशन आई टॉक अबाउट कि इन द ब्लैंक को एक्चुअली में कैसे सॉल्व करते हैं मतलब क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है और उस सेशन में मैं सारे एम एच सी ई टी के फ़िलिम द ब्लैंक्स यूज़ करूँगा ठीक है सो दैट्स दैट्स समथिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास वुड लाइक टू वेरी क्विकली टेल यू कि हमारे अन अकेडमी पे ऑफकोर्स नई नई ऑफर्स आती रहती हैं सो दिस ऑफर ऑन योर स्क्रीन हैज़ एक्सपायर्ड बट आई कैन टेल यू कि नई ऑफ़र आएगी जल्दी आपके लिए ऑल्सो आर कैट ट्वेंटी टू रिजल्ट हैज़ बीन एब्सोलूटली फैंड टैबुलस जबरदस्त रिजल्ट रहा है हमारा मोर देन हंड्रेड एंड टेन लर्नर हैव स्कोर्ड ओवर नाइन्टी एट परसेंट टाइल एंड मोर देन सेवेंटी फाइव लर्नर एव स्कोर्ड ओवर नाइन्टी नाइन परसेंट टाइल सो मेक श्योर की आप भी अगर हमारे कैट ट्वेंटी थ्री के सुपर परफॉर्मेंस का पार्ट बनना चाहते हो तो डू जॉइन एस फॉर फुल फ्लजड बैच आर नेक्स्ट बैच स्टार्ट फ्राम नाइन्थ ऑफ मार्च तो नाइन्थ मार्च को हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है Uh, मैं इस बैच में मैं भी इस बैच का पार्ट होऊंगा इनफैक्ट आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू कोर्स ऑन आर सी बेसिक्स और ये जो आर सी बेसिक्स वाला मेरा कोर्स होगा इसकी क्लासेस कब कब हुआ करेंगी ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे द टाइमिंग विल बी सेवन टू नाइन पी एम ओके सो आर सी बेसिक्स नाइन्थ ऑफ मार्च ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे सेवन टू नाइन पी एम यू कैन जॉइन मी फॉर दिस कोर्स ऑल राइट कोई भी बैच आप ज्वाइन करोगे तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस देखने को मिलेंगी सारे बैचेस की टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे मोर देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्रैक्टिस क्वेश्चन मोर देन हंड्रेड मॉक टेस्ट इन क्लास डाउट सॉल्विंग बाय रेज अ हैंड फीचर एजुकेटर क्यूरेटेड नोट्स एंड स्टडी मटीरियल ये सब आपको मिलेगा ये हमारे रिसेंट बैचेज हैं ट्वेंटी एट फेबर फिफ्टीन फेबररी और उससे पहले टेंथ फेबररी और नेक्स्ट तो मैंने बता दिया नाइन्थ मार्च ऑल्सो हम इंडिविजुअल एग्जाम स्पेसिफिक कोर्सेज भी लेके आते रहते हैं जैसे एम ए एच सी ई टी का अलग से कोर्स चल रहा है सीमेंट का अलग से कोर्स चल रहा है एंड अगेन दीज आर पार्ट ऑफ यूर सब्सक्रिप्शन इसके लिए अलग से पे नहीं करना होता आपको देन अगेन अगर आप uh, हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहें जी डी पी आई के लिए तो दैट टू इज़ एन ऑप्शन इन केस यू डोंट हैव अ सब्सक्रिप्शन विद एस यू कैन परचेज जस्ट आर जी डी पी आई सब्सक्रिप्शन एंड दिस जी डी पी आई सब्सक्रिप्शन विल

आपको डिजिटल नोट्स मिलते हैं मतलब ऐप के अंदर ही नोट्स होते हैं और सारी क्लासेस का एक्सेस मिलता है आपको रेज हैंड फीचर यूज़ कर सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं साथ में लाइव डाउट सॉल्विंग वन ऑन वन लाइव मेंटोरशिप और जी डी प्लान इंक्लूडेड होता है सो नो दैट जी डी पी इज़ इंक्लूडेड इन आइकॉनिक नॉट इन प्लस और आइकॉनिक में आपको डिजिटल नोट्स के साथ साथ हार्ड कॉपी नोट्स यानी फिजिकल नोट्स भी आपके घर पर डिलीवर होते हैं ओके चलिए तो आई एल सी यू वेरी क्विकली इन सम ऑफ अपकमिंग क्लासेस वैसे अगर आप uh, मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर माई फ्री क्लासेज जो कि हर रोज होती हैं बाय द वे तो यू कैन ज्वाइन मी फॉर माई फ्री क्लासेज एज वेल और आई एल क्विकली जस्ट टेल यू कि ये कब होती हैं फ्री क्लासेज है यू गो सो हर रोज नाइन फिफ्टीन पी एम पे मेरा फ्री सेशन होता है जिसमें आजकल हम कैट के पैरा पैराजंबल्स के क्वेश्चन कर रहे हैं टेन फिफ्टीन पी एम पे मेरे यूट्यूब सेशन होते हैं जैसे कि ये वाला यूट्यूब सेशन आपने देखा एंड लाइक आई टोल्ड यू आर सी बेसिक्स कोर्स मेरा इलेवंथ नाइन्थ मार्च से आ रहा है ऑल राइट थैंक यू वेरी मच बाय बायस क्रैकेट